हेलो स्टूडेंट। तो बेटा आज हम जो हम लीनियर इनइक्वालिटी का टॉपिक कर रहे हैं उसके अंदर ग्राफिकल सॉल्यूशन करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स का। काफी सिंपल सा प्रोसेस होता है, देखिए उसका ग्राफ से सॉल्यूशन करना आप लोगों को। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स। यानी कि टू वेरिएबल्स में जो लीनियर इनइक्वालिटी आएंगी उनका ग्राफिकल सॉल्यूशन करेंगे। देखिए बेटा, एक तो मैं डिस्कस कर दूं कि लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल कैसे रहेगी। ax प्लस by ये प्लस c लेस देन जीरो या इज इक्वल टू, ये हो सकता है a, ये हो सकती है, ये हो सकती है ax प्लस by स्ट्रिक्टली, ये ax प्लस by ग्रेटर देन इक्वल टू c, या ये हो सकती है ax प्लस by स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन c। ये तो ये आपके पास है लीनियर इक्वेशन पर लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स के अंदर ये लीनियर इनइक्वालिटी है, इनका ग्राफिकली सॉल्यूशन करना है। देखिए तो ग्राफिकली मतलब एक सिंपल सा प्रोसेस है कि आप लीनियर इनइक्वालिटी अगर आप बना देंगे कैसे होगा। देखिए क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है, आपके पास से लीनियर इनइक्वालिटी है x प्लस वाई लेस देन फाइव, सोल x प्लस वाई लेस देन फाइव, ये है। तो आप इससे बेटा ग्राफ बनाएंगे, इसको ग्राफिकली सोल्व करना है। तो ग्राफ बनाएंगे तो देखिए पहले इसको आप है ना x प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव कंसीडर कर लीजिए। कंसीडर द लाइन, इसको इक्वल मान लीजिएगा x प्लस फाइव इज इक्वल टू फाइव। देखिए आप ये टेबल बना लीजिएगा, टेबल से आप क्या करेंगे इस लाइन के ऊपर टू पॉइंट निकाल लेंगे। वो टेबल सिंपल सी है, यहां पे x लिख लीजिए। जब x आपके पास इसके अंदर जीरो होगा तो y की वैल्यू आएगी फाइव, जब x जीरो है तो y 5 है। तो यहां इस टाइप से लिख लीजिए x 0 y 5 ऐसे। और जब आपके पास y 0 है, y की वैल्यू 0 है ये, तो x की वैल्यू 5 आएगी। ये टेबल इस टाइप से बना लीजिएगा, इस टाइप से बेटर रहेगी, ये ऐसे भेजिए। x 0 y 5, y 0 x 5, तो इस टाइप से आपके पास टू पॉइंट आ गए, टू पॉइंट आ गए। एक पॉइंट तो मिला 0 5, एक मिलगा 5 0, ठीक है। उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो आपके पास ग्राफ आएगा x प्लस वाई इक्वल टू फाइव। तो टेबल है, अगर आप टेबल ना लिखे तो आप ऐसा लिख सकते हैं। सपोज करिए आप टेबल नहीं लिख रहे, तो टेबल नहीं लिख रहे तो वर्डिंग में आप ऐसा कर सकते हैं बेटा, नंबर वन हेडिंग डाल दीजिए एट एक्स एक्सिस, एट एक्स एक्सिस वाई इज इक्वल टू जीरो। एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है तो एक्स की वैल्यू फाइव आ जाएगी। सो जीरो सॉरी फाइव जीरो, फाइव जीरो इज अ पॉइंट ऑन द लाइन वन, ये लाइन वन के ऊपर एक पॉइंट है, ठीक है जी। नंबर टू एट वाई एक्सिस, एट वाई एक्सिस एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू फाइव। सो जीरो फाइव इज अ पॉइंट ऑन द लाइन वन, ये टू पॉइंट है
इन दोनों पॉइंटों को आप मिला देंगे, नाउ ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, नाउ ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ये 50 और 05, 50 एंड 05, वी गेट द ग्राफ, वी गेट द ग्राफ ऑफ लाइन वन। जो लाइन वन है इसका ग्राफ आपको मिल जाएगा। कैसे मिला देखिए, तो एक पॉइंट तो आपके पास बेटा 50 है, एक 05 है, ये दोनों ही पॉइंट आपस में आप मिलाएंगे तो आपको जो लाइन नंबर वन है इसका ग्राफ मिल जाएगा। सिंपल सा प्रोसेस है, किसी भी लाइन में ग्राफ बनाने के लिए बिल्कुल सिंपल प्रोसेस। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक पॉइंट आपके पास है 50, एक्स की वैल्यू 5, ले लेते हैं 1 2 3 4 5, ये ले लेते हैं 50। दूसरा पॉइंट है 05, 1 2 3 4 5, तो ये पॉइंट है 05 बेटा, 0.5। अगर आप इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंटों को मिलाइए, ये लीजिए ये, तो आपके पास ये किसका ग्राफ है, x प्लस वाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये इस लाइन का ग्राफ है। यहां तक तो सिंपल सा प्रोसेस है, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। अब देखिए इसके बाद आप क्या करेंगे बेटा, इस जो ये लाइन है इसने इस पूरे कंप्लीट रीजन के दो पोर्शन कर दिए। एक पोर्शन तो इस लाइन से इस साइड का, एक पोर्शन इस लाइन से नीचे का, ठीक है। इसको अपर हाफ बोल लीजिए, इसको लोअर हाफ बोल लीजिए। तो जो ये ऊपर वाला पोर्शन है इसको आप बोल सकते हैं अपर हाफ, और जो नीचे वाला पोर्शन है इसको बोल सकते हैं लोअर हाफ। दोबारा देखिए, जो ये लाइन है, ये वाली लाइन बेटा, इसने इस कंप्लीट रीजन को टू पोर्शन में डिवाइड कर दिया। एक पोर्शन तो इस लाइन से ऊपर का, ये एक पोर्शन इस लाइन से नीचे का। अब हमें सॉल्यूशन में एक पोर्शन लेना है, वो ये पोर्शन आएगा, ये पोर्शन आएगा, वो कैसे डिसाइड होगा देखिए। अब जो हमारे पास ये इनइक्वालिटी है, इसके अंदर हम ओरिजिन पुट करेंगे, ओरिजिन होता है 0 0। नाउ पुट ओरिजिन, ओरिजिन मीन 0 0 इन एक्स प्लस वाई लेस देन 5, वी गेट एक्स को भी 0, वाई को भी 0, तो यह आया 0 लेस देन 5, 0 लेस देन 5 है, ये ट्रू होता है बेटा, 0 5 से लेस होती है, तो विस इज ट्रू, विस इज ट्रू। तो आप वो रीजन लेंगे जिसके अंदर ओरिजिन आता है, यानी कि ये वाला रीजन, यानी कि लोअर हाफ लेंगे आप। अगर ये सेटिस्फाई नहीं होती तो क्या करते हैं आप बेटा, अपर हाफ लेंगे। तो क्या करेंगे, लोअर हाफ, यहां पे देखिए इक्वल नहीं है, तो इस लाइन से थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए, बिल्कुल थोड़ा सा डिस्टेंस। जो कंप्लीट ये वाला कंप्लीट आपके पास रीजन है बेटा, ये वाला कंप्लीट रीजन, ये आपका सॉल्यूशन होगा, ये आपका सॉल्यूशन है, सेटेड रीजन इज आवर सॉल्यूशन, ये ट्रू है तो ओरिजिन वाला हिस्सा लेंगे, ठीक है। अगर ये फॉल्स होता तो ये अपर हाफ लेते बेटा, ठीक है। तो यहां पे आ गया, दिस इज ट्रू, सो वी टेक लोअर हाफ, सो वी टेक लोअर हाफ, दैट इज सेटेड रीजन, ये हमारा आंसर है ग्राफिकली, ठीक है। आई थिंक कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बेटा। ये तो इस टाइप से हम क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये भी ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली वही पैटर्न रहेगा बिल्कुल, तो
कंसीडर द लाइन, स्टार्टिंग में इसको इक्वल मान लीजिए, कंसीडर द लाइन 2x प्लस y इज इक्वल टू 6 एट x एक्सिस, एट x एक्सिस y इज इक्वल टू 0, y को 0 रखेंगे तो 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3 आएगा. सो 3,0 इज अ पॉइंट, 3,0 इज अ पॉइंट ऑन द लाइन 1. नंबर 2, एट y एक्सिस x इज इक्वल टू 0, x 0 आएगा तो y की वैल्यू 6 आएगी. सो 0,6 इज अ पॉइंट, 0,6 इज अ पॉइंट ऑन द लाइन 1. अब ये आपके पास सेकेंड पॉइंट 0,6 आएगा. ज्वाइनिंग दिस टू पॉइंट, ज्वाइनिंग दिस टू पॉइंट्स, आप इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे. फर्स्ट पॉइंट है 3,0 एंड सेकेंड है 0,6. वी गेट द ग्राफ ऑफ, वी गेट द ग्राफ ऑफ लाइन 2x प्लस y इज इक्वल टू 6. इस टाइप से आप इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो आपको 2x प्लस y इज इक्वल टू 6 का ग्राफ मिल जाएगा. देखिए तो बढ़ाते हैं ग्राफ, वही है जो क्वेश्चन नंबर 1 में आपने किया है, पैटर्न वही है. ठीक है, तो पॉइंट याद करना बेटा, एक पॉइंट 3,0 था, एक पॉइंट 0,6 है, ये टू पॉइंट्स है. इन दोनों को आपस में आप मिला देंगे तो ग्राफ आ जाएगा. देखिए ये आपके पास है y एक्सिस और ये आपके पास है x एक्सिस, तो ये x एक्सिस ये y एक्सिस, सिंपल x और y एक्सिस है. 3,0 x 3 1,2,3 y 0 0,6 1,2,3,4,5,6 ये 0,6 आपके पास है. आप इन दोनों पॉइंटों को मिला दीजिए, ये लीजिएगा ये, तो ये आपके पास ग्राफ है. किसका ग्राफ है? 2x प्लस y इज इक्वल टू 6 का, 2x प्लस y इज इक्वल टू 6, ये इस लाइन का ग्राफ है. अब इसने इसके दो पोर्शन किए हैं, एक पोर्शन ये, एक पोर्शन ये, ये वही बात है, ये अपर हाफ इस लाइन से ऊपर का पोर्शन है और नीचे वाला लोअर हाफ बेटा. अब आपको डिसाइड करना है कि अपर हाफ आपका सॉल्यूशन आएगा या लोअर हाफ आएगा. उसके लिए क्या किया था, आपके पास जो इनइक्वालिटी थी 2x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 थी, ये थी बेटा. इसके अंदर क्या करेंगे आप, पूरे जन पुट करेंगे. नाउ पुट ओरिजिन आपको पता ही है कि 0,0 होता है. नाउ पुट 0,0 इन 2x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, वी गेट x को 0 पुट करेंगे, y को भी 0 पुट करेंगे, दैट इज 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6. ये ट्रू नहीं बेटा, ये तो फॉल्स है, तो ये तो फॉल्स है. 0,6 से ग्रेटर देन इक्वल नहीं होती, विच इज फॉल्स. अगर फॉल्स है तो आप वो रीजन लेंगे जिसमें ओरिजिन नहीं है, यानी कि आप अपर हाफ लेंगे. सो वी टेक द रीजन, सो वी टेक द रीजन विच डज नॉट कॉन्टेन ओरिजिन. ठीक है जी, दैट इज अपर हाफ, और वो क्या है, अपर हाफ है आपके पास. ठीक है,
अब देखिए बेटा यहां पे इक्वल का साइन है तो बिल्कुल टच करती हुई लाइन लगाएंगे, इस बिल्कुल टच करती हुई ये इस साइड से जो ये आपके पास टच करवा दीजिए, जो ये सेडेड रीजन है ये आपका सॉल्यूशन है ये। तो सिंपल सा प्रोसेस है, प्रोसेस कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है, है ना। इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो सेडेड रीजन है वो आपके पास आपका सॉल्यूशन है। तो ये आपने सीखा है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स बाय ग्राफिकल मेथड। इस टाइप से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।